जहां आज की युवा पीढ़ी एक तरफ अपने आप को सोशल मीडिया पर ज्यादातर एक्टिव रखती है, तो वहीं ऐसे में साइबर क्राइम के केस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर महिला वर्ग साइबर क्राइम का ज्यादा शिकार हो रहा है। कई बार उनकी सोशल आईडी हैक हो जाती है, तो कभी ई पेमेंट करने वालों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। यही नहीं, साइबर क्राइम के तहत लोगों को मानसिक के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम से वह अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, इसको लेकर फतेहाबाद रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को साइबर क्राइम से जुड़ी न सिर्फ अहम जानकारियां दी, बल्कि उनसे बचने के उपाय भी बताए। फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो आज रक्षित टंडन जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को एक नॉलेज, मतलब अच्छे से हम लोग को नॉलेज दी और बताया कि हमें किस तरह से अपने ये सारे एप्स यूज करें, कि उन्हें हम एम्पावर करें डिजिटली, कि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, एप्पल, इनके साथ क्या क्या सुरक्षाएं हैं, कैसे अपनी आईडी को बचाना चाहिए और कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे बाहर कैसे निकलते हैं, तो रिकवरी भी आना चाहिए। टंडन जी जो ऑल इंडिया के इंटरनेशनल एक नोन साइबर क्राइम हैकिंग के जो नॉलेजेबल पर्सन है, बिल्कुल आई थिंक मास्टर है, तो वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने सारे अकाउंट्स को हैक करने से बचाना है, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया जो है आजकल की लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है कि हम सभी को ये सिक्योरिटी अपने मोबाइल्स पे रखना बहुत जरूरी है। बियॉन्ड आर इमेजिनेशन समटाइम्स, और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वी आर ऑल ऑन सोशल मीडिया एंड वी डोंट रियलाइज समटाइम्स दैट एक बेसिक सिक्योरिटी बटन बस एक चेक करने से हमारे कितना, हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते। साथ ही इस दौरान प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को साइबर क्राइम से जुड़े केसों से भी रूबरू कराया गया और एटीएम और ई पेमेंट करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, इस पर भी अहम जानकारियां दी गई। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।